get it by now. Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that golden rule? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it before we cross the line and we reach a point we can't rewind. Rewind, rewind, rewind. गुड मॉर्निंग गाइज एंड हैप्पी सैटरडे। मेरा सैटरडे कुछ हैप्पी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं रात भर टेंशन में रही, पता है, सोचती रही। मैं बीच बीच में मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि यार मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, अरमानों पे सारा पानी फिर जाता है। जब भी मैं लहंगा बनाती हूँ ना, ऐसा ही होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ टेंशन निकल के बाहर ही आ जाती है। इतने मन से इतना खर्चा करके मैंने वो लहंगा बनवाया और मैंने, पता है, अब पता नहीं वो उस तरीके से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब जो खर्चा हुआ सो अलग, उसकी कोई चिंता नहीं है, चलो वो तो जब इतना खर्चा किया है तो थोड़ा सा मैंने उसमें कैन में लगा के अगर वो फिर से ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बस होप कर रही हूँ कि जब लहंगा मेरे पास फिटिंग होकर आए तो बिल्कुल परफेक्ट लगे। मुझे यहाँ से नहीं चाहिए थी केन, पता है, यहाँ से केन थी उसके अंदर, तो मैंने बस इतना ही तो बोला ये केन हटा दो, लेकिन उन्होंने केन ही नहीं वापस करी। अगर वो मुझे वापस कर देते वो केन तो मैं उनसे नीचे लगवा लेती, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया ना, मुझे बहुत बुरा लगा वो सुन के। तो आज सैटरडे है, आपको बताया मैंने जैसे, और मॉर्निंग की चाय बना रही हूँ। उसके साथ आज क्या बनाएंगे नाश्ते में अभी डिसाइड नहीं किया है। फिलहाल तो चाय के साथ ये जीरे वाले बिस्किट है ना, ये खाऊंगी। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आजकल ये सिंपल से प्लेन से चाय के साथ, थोड़ा सा नमकीन से होते हैं ना, सॉल्टी, तो अच्छे लगते हैं खाने के साथ। No one could tell the difference between me and you, babe, watching from a distance. Hiding these feelings, I keep on going through changes. I'm just so mad, but now it's at my own. आज मैं आप लोगों के साथ आई एम्स्टरडैम के कुछ मेरे फेवरेट शेड शेयर करने वाली हूँ। ये मैट लिक्विड लिपस्टिक्स हैं और ये लिपस्टिक्स ट्रांसफ़र प्रूफ हैं, हाईली पिगमेंटेड हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। पहला शेड जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है पियर जाइंट। ये है शेड नंबर 1। ये कुछ पिंक और प्लम जैसा शेड है, बहुत ही प्यारा लगता है लगाने के बाद। सेकेंड शेड है पेज पोल का और शेड नंबर है 2। ये ब्यूटीफुल ब्राउन टोन शेड है जो कि डेली वियर के लिए बहुत ही परफेक्ट शेड है। Need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it. Next जो शेड है वो है ब्यूटी क्वीन और शेड नंबर है 4। ये प्योर रेड शेड है, थोड़ा बोल्ड शेड है और आप इसे वेडिंग या पार्टी में जब आपने ब्लैक ड्रेस पहनी हो उसके साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो शेड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट शेड है। ये है पर्पल फ्लैग, शेड नंबर 5। ये पर्पल टोन में है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है लगाने के बाद। Maybe I need some space, need somewhere else to go, to release, to relax, लास्ट जो शेड है उसका नाम है गैब्रिला और ये है शेड नंबर 24। ये पिंक अंडरटोन शेड है और डेली वियर के लिए काफ़ी परफेक्ट है। तो अगर आपको इन लिपस्टिक में से कोई भी शेड पसंद आया है तो उनके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिए हैं, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट शेड कौन सा लगा। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं अपना ग्रॉसरी का जो बाकी का सामान बचा है वो भी लगाऊंगी। कल सारा सामान ऑलरेडी लगा लिया था ग्रॉसरी का, लास्ट बस यही चीज़ें बची हैं, कुछ दालें और कुछ छोले राजमा वगैरह। तो ये मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा ये अभी पैकेट में ही है, आराम से इनको ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि इनको ट्रांसफ़र करने से पहले मैं डिब्बों को अच्छे से साफ़ करना चाहती थी, जिससे कि जब मैं नया सामान इसमें ट्रांसफ़र करूँ तो नए तरीके से रहे। वरना वो पुराने के थोड़ा बहुत भी कुछ रह जाता है ना, तो उनसे कीड़े या कुछ भी घुन वगैरह होने का डर लगा रहता है दिल में। शादी में जाना है और उसमें सोच रही हूं मैं फेशियल कराऊं, लेकिन आपकी एज के अकॉर्डिंग फेशियल सही नहीं, आप क्लीन अप करा लो। ठीक है, आप जो भी करो, मुझे अच्छा सा ग्लो चाहिए आपको फेस पर, वो आ जाएगा। मेरे पास कुछ अच्छे एसेंशियल ऑयल हैं जिनकी हेल्प से आपके चेहरे पर वो ग्लो आएगा। आप अपनी किट सिखाएंगे मुझे? हाँ, मेरे पास है गुड वाइब्स की गोल्ड नेचुरल ग्लो किट, गुड वाइब्स की सिल्वर किट और ये है बॉडी गोल्ड की रेड वाइन फेशियल किट और यहाँ पर है आस्ताबेरी की चारकोल फेशियल किट। अच्छा, और यहाँ पर है VLCC की पर्ल फेशियल किट और लास्ट एंड नॉट लीस्ट और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं इसके, ये है आस्ताबेरी की प्रोफेशनल गोल्ड फेशियल किट। सब अपना बता सकते हो, मैंने सारे फेशियल किट के नाम आप लोगों को बता दिए। कितना चार्जेस है? मैंने तो वो चाहिए, तुम्हारे ऊपर डिसीजन छोड़ा। मैं तो अपना खुद का ही वाला करने वाली हूँ, आस्ताबेरी का। आप उसका क्यों करेंगे? आप मुझे बताइए इसका प्राइस क्या है। मैं इसका कितना चार्जेस लेते हो? आपके लिए, आप तो घर जैसे हो तो आपसे क्या चार्ज कर रहे हो? आपके लिए तो मैं जो भी आप घर के ही है, घर जैसे हो आप लोग, आप भी घर जैसे हो तो आप जो प्राइस देना चाहो दे। मैं आपको 2 रुपए दूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे 1000 रुपए दे के जाओ, नहीं पसंद आए तो आप 2 रुपए। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे फेशियल किट मेरे पास क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिल्ली में हर साल लगता है बॉडी एंड स्पा एक्सपो, जिसमें मैं जाती हूँ, मुझे बड़ा शौक है वहाँ जाने का और ऐसी चीजें कलेक्ट करने का। तो जब भी दिल करता है फिर बीच में कभी कभार मैं खुद ही फेशियल कर लेती हूँ, तो इसीलिए मेरे पास इतनी फेशियल किट इकट्ठी हो गई है। कोई भी जो फेशियल किट होती है वो 3 साल के लिए वैलिड रहती है, तो कुछ मेरी पिछली साल की है, कुछ इस साल की है, तो इसे मिलाकर मेरे पास इतनी फेशियल किट इकट्ठी हो गई है। इसमें से एक आध तो खत्म भी हो गई है। ये आप क्या रिकमेंड करेंगे? ये वाली आस्ताबेरी की चारकोल वाली पूरी खत्म है, बस थोड़ा सा बचा है, 1 या 2 बार हो पाएगा। कशिश को कराना है VLCC का पर्ल फेशियल। तो फेशियल तो मैं क्या करूँगी कशिश का, लेकिन क्लीन अप कर दूँगी। क्लीन अप करने से उसके चेहरे पर चमक आ जाएगी, क्योंकि वो डेली जो रूटीन में सिर्फ फेस वॉश ही करती है, कुछ ज़्यादा स्किन केयर वो कर नहीं पाती। स्कूल जाने की वजह से उसके पास टाइम भी नहीं होता है और वैसे भी इस एज में बच्चे इसी तरीके से रहते हैं, तो मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम पर आने के बाद वो खुद ही अपनी केयर करना सीख भी जाएगी। अभी बच्ची है तो मैं भी छोड़ देती हूँ और बस उसका ये रहता है कि डेली रूटीन में वो अपना फेस वॉश करती है और टोनिंग कर लेती है। अगर कभी कभी उसका मन होता है तो टोनर लगाकर अपने चेहरे को क्लीन कर लेती है। इतने में ही उसका चेहरा खिल जाता है। तो फिलहाल देखो कितना खुश है। मैंने वॉश कर लिया है और काफी अच्छा ग्लो आ गया है ना मम्मा? हाँ, ग्लो तो अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा, अभी मेरा एक पिंपल है तो फेस बहुत क्लीन लग रहा है इस टाइम। ग्लो तो थोड़ी देर बाद आएगा। तो फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ मैं दिखाती हूँ। मैं अभी ब्लीच रेडी कर रही हूँ और यहाँ पर मेरे पास है ओलिविया की ब्लीच और ये डायमंड ब्लीच है, ओलिविया की शाइनर ब्लीच विद डायमंड डस्ट। तो इसमें एक्स्ट्रा डायमंड डस्ट भी है। तो इसके साथ ना जो चीज़ें निकली हैं, आज ही मैंने खोली है, ये एक्चुअली पहली बार लगाऊंगी इसको। इसमें है एक्टिवेटर, तो ओलिविया की ब्लीच बहुत अच्छी होती है। और ये तो डायमंड ब्लीच है जो कि नई निकली है ओलिविया की। और ये है इसके साथ डायमंड डस्ट, नहीं सॉरी डायमंड एक्टिवेटर ओलिविया का। तो ऐसे तीन निकले हैं क्योंकि ये होलसेल वाली शॉप से लिए है ना मैंने ब्यूटी एंड स्पा एक्सपो में, तो इसीलिए ये बड़ी वाली किट है। वैसे इसकी छोटी छोटी किट आती है जो वन टाइम आप यूज कर सकते हो। और उसमें जब हम स्पा वगैरह से खरीदते हैं ना ब्यूटी एंड स्पा एक्सपो में, तो क्या होता है बहुत रीजनेबल प्राइस पर मिल जाती है ये चीजें, बहुत ही सही प्राइस पर आपको इतनी बड़ी किट मिल जाती है। आई थिंक ये किट मैंने 200 रुपीज में, हाँ मैंने ये किट 200 रुपीज नहीं, हाँ 200 रुपीज में लिए ये किट मैंने। ये एक्चुअली 400 की किट है ये, लेकिन एक के साथ एक फ्री थी उस स्पा में, तो एक तो हम लोगों ने दो ली थी, एक मेरे फ्रेंड के पास है और एक मेरे पास है। तो दूसरी ये है इसके साथ ब्लीच बूस्टर जो कि डायमंड डस्ट है, ये भी इसी के अंदर पड़ेगा जब आप ब्लीच रेडी करोगे। और ये है पोस्ट ब्लीच जो कि ब्लीच लगाने के बाद लगानी है। तो बेसिकली इसके साथ ट्रे भी मिली है एक। और क्या है ना, ये है क्रीम। तो आपको क्या करना है, पहले क्रीम लेनी है, फिर उसके साथ एक्टिवेटर ऐड करना है। और जब ये दोनों चीजें अच्छे से आप अच्छे से मिक्स कर लोगे, और कम से कम 2 मिनट के लिए ऐसे टाइम पर मिक्स करना चाहिए जिससे कि अच्छे से जो एक्टिवेटर है वो क्रीम के साथ मिक्स हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और इसके बाद फिर क्या करना है आपको, ये जो डायमंड डस्ट है जिसकी ट्यूब है ये, और या फिर आप कह सकते हो ब्लीच बूस्टर, और ऐसी इसके अंदर 2 ट्यूब निकली हैं, तो इसको फिर आपको इसके अंदर मिला लेना है जो क्रीम और एक्टिवेटर है। तो इस तरीके से ये आपका तैयार हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रेडी कर लिया है क्योंकि अभी मैंने प्रशांत को लगाया था, और ये मैंने अपने लिए बचा लिया है उसमें से ही, तो ये मैं अपने लगाऊंगी। और अगर आप इसे लगाने के बाद किसी कारण से बाहर निकल रहे हो, कोई बात है, तो पोस्ट ब्लीच की भी इसमें ट्यूब दी हुई है, तो वो भी आप लगा सकते हो, वो लगाकर आप जाएं जब आप ब्लीच कर लें उसके बाद। तो इसकी भी 2 ट्यूब्स हैं इसमें। तो जब आपको इतना सही प्राइस में मिल जाता है ना, तो फिर छोड़ने का दिल नहीं करता, इसीलिए मैंने ये ले लिया था। तो यू गाइस, मैं एक्चुअली सरप्राइज हूँ, अच्छा ग्लो आ गया मेरे फेस पे। और मम्मी यहाँ पे ब्लीच लगा रही है। इसका तो सिर्फ मैंने क्लीन अप ही किया है, मैंने फेशियल भी नहीं किया, सिर्फ क्लीन अप किया है। स्क्रब लगाया, फेस मास्क लगाया, ये किया है मैंने। उसी में इसको चेहरा चमकने लगा, क्योंकि करती नहीं है ना कभी भी, और कभी कभार ये सब चीजें भी कर लेते हो ना, तो थोड़ा चमक तो आ ही जाती है चेहरे पर। तो अभी मैंने प्रशांत का भी फेशियल कर दिया, कशिश का हो गया, प्रशांत का हो गया, और अब मेरी बारी है। लेकिन उससे पहले मैं डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ, तो फटाफट चढ़ा रही हूँ दाल, और एक तरफ चढ़ाऊंगी चावल। दाल चावल चढ़ाने की हिम्मत बची है बस मेरी, और कुछ करने का इच्छा नहीं बची है। इन लोगों का तो फेशियल मैंने कर दिया, ये आराम आराम से लेटे गए, लेकिन मेरा मुझे खुद को करना है। तो वैसे तो मुझे देखकर लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, बहुत पैसे उड़ाती हूँ, और ये करती हूँ वो करती हूँ। तो गाइज़ ऐसा नहीं है, मैं जहाँ पर पैसे बच सकते हैं वहाँ पर सेविंग करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। अगर मेरे घर में फेशियल करने से 4 पैसे बच जाएंगे तो क्या बुराई है इस बात में। और वैसे भी ये जो फेशियल किट है ये मैंने एक साथ जब खरीदी थी तो मुझे इतने प्राइस की पड़ी भी नहीं थी, और उससे कहीं ज़्यादा मैंने इनसे फेशियल कर डाले हैं। तो यार इस तरीके से मैं मेरा काम चल जाता है। ब्लीच फेशियल अगर आप बाज़ार में कराने जाओ तो काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं आपके। तो दाल इधर मैंने बनाने रख दी है, और इधर रख दी है खुले में चावल, और अभी मैं अपना खुद का फेशियल करने वाली हूँ। तो किट तो अभी मैं करने वाली हूँ आस्ताबेरी का गोल्ड ग्लैम फेशियल किट, जिसमें आप 6 स्टेप्स में फेशियल करते हो, और 60 मिनट्स के लिए आपको ये करना है। फेशियल टाइम इसका 60 मिनट है, और इस पूरी किट में आप 10 टाइम्स फेशियल कर सकते हो। तो एक टाइम मैं ऑलरेडी करके देख चुकी हूँ, करवा चौथ के टाइम पे मैंने किया था, बहुत अच्छा ग्लो आया था इसका, इसीलिए मैं आज फिर से ट्राई कर रही हूँ इसको। और इसमें कहते हैं 9 पाउच और बचे हैं, यानी कि आप 9 टाइम्स और कर सकते हो। तो फिलहाल स्टार्ट करती हूँ अपना फेशियल, फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने तो ये कहते ब्यूटी एंड स्पा से ख़रीदी थी, लेकिन अगर आप जानना चाहते हो, अपने लिए ख़रीदना चाहते हो, तो जो भी फेशियल वाले होलसेलर्स वाले शॉप्स होती हैं वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हो। वहाँ पर आस्ताबेरी की फेशियल किट आपको आराम से मिल जाएगी, या फिर आप अमेज़ोन से ट्राई करके देख सकते हो। आस्ताबेरी गोल्ड ग्लैम फेशियल किट, आप ये नाम डालकर सर्च कर सकते हो सकता है अमेज़ोन पे अवेलेबल हो। फेशियल मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये पील ऑफ मास्क है जो मैंने लगाया है लास्ट में, और मुझे लगा ये भूख बहुत तेज, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 9:30 के अराउंड हो रहा है, बल्कि उससे अब अभी हो रहा है। तो मुझे अब बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं खा लेती हूँ खाना।